अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ आलू के पकौड़े। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिया है और मैं थोड़ा सा बेसन लिया हूँ बिल्कुल, और जो मैंने आधा चम्मच। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे 11 और अभी मैं उठ गया हूँ, रेडी भी हो गया हूँ, जस्ट चाय खाना नहीं खाया और चाय नाश्ता कर लिया सब कुछ। सो अभी मैं जा रहा हूँ छत, मम्मी अभी छत पे जा रही है तो मैं भी अभी छत पे ही जाता हूँ, थोड़ी देर वहीं पे रहता हूँ। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, एकदम खाली खाली, मतलब बादल बादल है। और कल के ब्लॉग में आपने देखा कि कल तो दिन भर सुबह से दोपहर तक बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा बंद था और बाहर तो पूरा पानी पानी हो गया था। आज जाके थोड़ा सूखा है तो आज हम लोग थोड़ा अच्छे से खेलेंगे, मतलब कुछ अलग खेलेंगे। हर रोज़ तो वही खेलते थे, कभी लटून जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। और सभी धूप तो बिल्कुल भी निकले, एकदम बादल बादल है। मैं मम्मी तो बाहर ही गई, छत पे नहीं गई है, तो मैं भी छत बाहर ही आता हूँ। और सो गाइस, अभी शुभम और माधव को मैं बुला के लाया हूँ इन लोगों के घर से, और अभी हम लोग खेल रहे थे। हम लोगों ने आठ कट खेला है और आइस पैच खेला है, और जब बंदर भी आ गए अभी ढेर सारे, वहाँ पर ढेर सारे हैं और उधर बहुत सारे बंदर भी हैं, पूरे ये सारे पेड़ पे हैं, अच्छे से देख नहीं रहा होगा लेकिन आए हैं ढेर सारे। और इतना सब कुछ खेले और ऋषु भी गया, शिवा दोनों के दोनों गए, मतलब दोनों अपने अपने घर गए। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या करें क्या ना करें, सभी कुछ सोचते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा 6 और अभी मैं जब सो के उठा हूँ, और शुभम और माधव दोनों तो गए अपने घर पे, और वो लोग जैसे गए थे तो मैं आके सो गया। और अभी जैसे उठा हूँ 6 बजे, इतने रात मतलब शाम हो गई पूरी, और अब जाके उठ रहा हूँ मैं। अभी मांडे भी आटा सान रही है, और अभी बाहर का सीन कुछ ऐसा है कि पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, हल्का हल्का उजाला है बस। और अभी भैया ठंडी लग रही है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा 7 और अभी मुझे भूख लग रही थी, तो अभी खाना तो खाऊंगा नहीं, वरना अभी खा लूँगा तो फिर रात में नहीं खा पाऊँगा। तो अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ आलू के पकौड़े। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिया है और मैं थोड़ा सा बेसन लिया हूँ बिल्कुल, और जो मैंने आधा चम्मच नमक और आधा से थोड़ा सा कम चम्मच मिर्चा डाल दिया हूँ। तो अभी मैं इसी के पकौड़े बना लूँगा और यही खा लूँगा, वरना अभी मैं खाना खा लूँगा फिर रात में खा ही नहीं पाऊँगा। तो अभी मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन डालूंगा तो पीला ही होगा ना। और अभी मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से पानी डाल के, सबसे पहले हल्दी को मिक्स कर लेता हूँ। हेलो, मैं हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि हाथ डालूंगा तो गंदा हो जाएगा, फिर धुलना पड़ेगा मुझे। और ठंडी के मौसम में तो हाथ बार बार धुलना तो एकदम ठंडी लगने लगेगी। तो बाबा अल्टा डाल करके मेरे गांव में 6:30 बजे पहुंचा हूं। जल्दी में जो गई अभी पाई ना तो बस यही सब टॉर्च है चालू। फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मैं तो करूँगा नहीं, पापा बोल रहे हैं कि तुम मत करो, मैं ही कर दे रहा हूँ वरना मेरे हाथ ही जल जाएगा। सभी अभी सारा फ्राई करेंगे। तो गाइस, अभी पकौड़े तो बन गए और मम्मी ने इसी में गोभी भी डलवा दी है, 2-3 गोभी डलवाई हैं, क्योंकि जब आलू पूरा ख़त्म हो गया था उसके बाद भी थोड़ा सा बेसन का पेस्ट थोड़ा सा बच गया था, तो मम्मी ने गोभी डलवा दी। सो अभी मैं इसको खाने जा रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैंने पकौड़े तो खा लिए और पकौड़े तो एकदम मस्त बने थे, एकदम टेस्टी। सो अभी टाइम हो रहा 9:30 और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर करता हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा मैं व्लॉग को लाइक करें, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। टावर पर चढ़ने बाल से टावर है तो भैया चढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रिया की मम्मी का लवान्टी का वो बनाना था, रस्सी बनवाना था छत से, तो अभी वहीं पे वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर।